मुस्कुराइए कबल इसके कि आपकी शादी हो जाए। हज से वापसी पर कुछ हफ्तों तक बीवी नोट करती रही कि हाजी साहब अब मुझे मेरी जान, मेरी प्यारी सी जान, मेरी जान जिगर, मेरी डार्लिंग वगैरह जैसे कलमात से नहीं पुकार रहे हैं। पूछने पर हाजी साहब ने कहा, अब बस मैं और ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता। शादीशुदा औरत ने फेक आईडी बनाकर अपने शोहर से बातचीत शुरू की तो शोहर ने बताया कि उसकी बीवी 3 साल पहले मर चुकी है। कल मैंने एक लड़की से पूछा, तुम्हारी हल्की हल्की मूछें क्यों हैं? बोली, मैं अपने अब्बू पर गई हूँ। ट्रेन से एक सवारी ने ट्वीट करके शिकायत भेजी, बाकी सहूलतें भले ही ना बढ़ाएं पर टॉयलेट में लोटे की चैन की लंबाई इतनी और बढ़ा दें कि वो मंजिले मकसूद तक पहुंच सके। रेलवे की तरफ से रिप्लाई आया, लोटा चैन से बंधा है आप नहीं, मंजिले मकसूद को थोड़ी आगे खिसका लें। इतने भयानक कंवारे होते हैं कि उनके ताश के पत्तों में भी बेगम नहीं होती। एक शेख साहब 2 घंटे फोन पर बात करके इंतकाल कर गए। मौत की वजह पता चली कि पैकेज लगाना भूल गए थे। सरदार का पेट खराब हो गया तो वो डॉक्टर के पास गया। लोगों की मौजूदगी की वजह से हाल कुछ यूं बताने लगा, डॉक्टर साहब सुबह से नेटवर्क बहुत खराब है, मिस कॉल पे मिस कॉल्स आ रही हैं, आउटगोइंग बिल्कुल फ्री है, तरह तरह की रिंग टूल्स बज रही हैं, पेट में बैलेंस बिल्कुल नहीं रहता, जितना लोड करवा लो खत्म हो जाता है। डॉक्टर ये दवाई ले लो, सुबह तक सिम बंद हो जाएगी। एक आदमी दरख्त के नीचे बैठा सोच रहा था कि आखिर गाय क्यों नहीं उड़ती। अचानक उसके सर पर कव्वे ने पेशाब कर दिया। उस आदमी ने सर उठाया और कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि गाय नहीं उड़ती। वो भी क्या दौर था जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, जब भी इंग्लैंड और वेस्टइंडीज का मैच देखते तो दिमाग खराब हो जाता। ब्राइटनेस ज्यादा करो तो इंग्लैंड वाले गायब, कम करो तो वेस्टइंडीज वाले गायब। सर्दी कहती है नहाना नहीं, गैस कहती है मैंने आना नहीं, महंगाई कहती है मैंने जाना नहीं, और हान साहब कहते हैं घबराना नहीं, बंदा करे तो करे क्या। पिछली रात तो कंवारेपन की हद हो गई, बच्चे ख्वाब में आए और कहने लगे, अब्बा कोई लब्बी या नहीं। हर शख्स का नाम अलग होता है, लेकिन जब हजूम में ओए बेगैरत बोलो तो 5-10 मुड़कर जरूर देखते हैं। एक हाथ में मक्खन और एक हाथ में चूना रखें, मौका की मुनासिबत से लगाते जाएं, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। एक लड़का एक दरबार पर गया, वहां 7 पीर जमीन पर दरगाह बिछा कर बैठे हुए थे। पीर साहब, बेटा क्या मसला है, क्यों आए हो? लड़का, बाबा जी जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो भाग गई है। पीर साहब बोले, छोटे अंदरों एक दरी और लेके आ। मुझे सुबह ऐसे उठाया जाता है जैसे मुल्क पर हमला हो गया हो और मैं आखिरी फौजी बचा हूं। फकीर, पानी मिलेगा? बच्चा, लस्सी हो जाए तो? फकीर, बहुत अच्छा। फकीर 3 प्याले लस्सी के पीकर बोला, घर में आज किसी को लस्सी नहीं पीनी? बच्चा, नहीं, आज लस्सी में चूहा गिर गया था। फकीर ने जमीन पर जोर से प्याला तोड़ दिया। बच्चा, अम्मी फकीर ने प्याला तोड़ दिया है। माँ गुस्से में बोली, अब कुत्ता दूध किस में पिएगा? फकीर, लाहदी लानत वाड़े थे। आदमी ने इश्तिहार देखा, पुराना मोबाइल दो और नया मोबाइल लो। आदमी उस एड्रेस पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई दुकान नहीं थी। आदमी ने वहां 2 लड़कों से इश्तिहार के बारे में पूछा, उन्होंने बंदूक निकाली और कहा, वो इश्तिहार हमने ही लगाया था, चल अब पुराना मोबाइल दे और जाकर नया ले। टीचर ने मिरासी के बच्चे से कहा कि 2 का पहाड़ा सुनाओ। बच्चा, मिस जी तुसी नाल हल्की हल्की ढोलकी बजाओ।
फैसलाबाद का पंजाबी हज करने गया, वापस आया तो दोस्त ने पूछा वहाँ शैतान को पत्थर मारे? पंजाबी बोला पत्थर मारन का तो मौका नहीं मिला पर गालां चंगियां कटियां। पता है खुशनसीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनमैरिड। लड़का जानू हमारे प्यार के बारे में किसी को मत बताना। लड़की तेरी बहन को तो जरूर बताऊंगी, वो कहती थी कि कोई कुत्ता ही होगा जो तुझसे प्यार करेगा।